हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिन्होंने संविदा वर्ग दो यानी माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा वर्ग दो दी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो इंग्लिश से रिलेटेड हमारे कैंडिडेट हैं उनकी जो वैकेंसी हैं वो बहुत ही काफ़ी इंक्रीज होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अब G2G पोर्टल से यानी कि इसमें लिखा हुआ है आदेश में कि DEO अपने G2G लॉगिन से जो विरुद्ध कार्यरत विषय शिक्षक की संख्या में अद्यतन किया जा रहा है यानी अपडेट किया जा रहा है, यानी कि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें एक ही सब्जेक्ट के कई टीचर्स हैं। जैसे मान लीजिए कि मिडिल स्कूल के लिए रूल है कि 90 स्टूडेंट्स अप टू 90 तक हमारे तीन टीचर्स होने चाहिए, यानी कि यदि किसी स्कूल में छात्र संख्या अप टू 90 है मतलब कि 1 से लेकर 90 तक है तो वहाँ पर कितने टीचर्स की ज़रूरत है, 3 शिक्षकों की ज़रूरत है, जिनमें से पहला शिक्षक कंपलसरी है इंग्लिश का होना चाहिए, दूसरा शिक्षक एक साइंस ग्रुप का होना चाहिए और तीसरा शिक्षक आपका सामाजिक विज्ञान का होना चाहिए। तो ये 3 शिक्षक कंपलसरी हैं जहां पर छात्र संख्या आपकी 90 है। अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे स्कूल्स में इंग्लिश के टीचर्स नहीं हैं और उनके स्थान पर 2 या 3 टीचर्स सोशल साइंस से हैं या हिंदी वाले हैं, तो ऐसे टीचर्स को वहाँ से हटा करके अन्य स्कूलों में उन्हें पदस्थ किया जा रहा है। ये प्रक्रिया अभी चल रही है, यानी कि अभी ऑनलाइन पोर्टल पर ये फीडिंग की जा रही है कि कितने स्कूलों में स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत विषय वाले शिक्षक हैं, ये सब अपडेटिंग अभी हो रही है। तो ये वीडियो इंग्लिश वालों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इंग्लिश के काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश के टीचर्स नहीं हैं और बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि इस स्कूल में 3 शिक्षक पहले से ही हैं, 4 शिक्षक पहले से हैं, लेकिन अब उनमें से ही बहुत सारे शिक्षक चले जाएंगे यानी दूसरी जगह उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि उनमें से बहुत सारे शिक्षक एक ही वर्ग से हैं, यानी कि वो कला वर्ग से हो सकते हैं, साइंस ग्रुप से हो सकते हैं, इस तरह के। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि आपके स्कूलों में शिक्षक किस तरह से रखे जाएंगे। ये देखिए कि माध्यमिक शिक्षक में विषयवार जो स्वीकृत पद किए जाते हैं RTE नॉर्म के अनुसार, बोर्ड के अनुसार किए जाएंगे कि नामांकन यदि अप टू 105, यदि 805 तक कितने शिक्षकों की जरूरत पड़ती है, 3 शिक्षकों की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला शिक्षक गणित का होना चाहिए, दूसरा अंग्रेजी का होना चाहिए, तीसरा सामाजिक विज्ञान, यानी ये 3 शिक्षक कंपलसरी हैं। इसके अलावा यदि कोई भी शिक्षक जो ये पात्रताएं यानी इन सब्जेक्ट से नहीं है और वो मॉडल स्कूल में कार्यरत है तो उसका उस स्कूल से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 106 से लेकर के 140 यानी 106 से लेकर 140 तक चौथा शिक्षक चाहिए, यहाँ पर चौथा शिक्षक बनेगा संस्कृत का और यहाँ पर एक हेडमास्टर भी आ जाता है, यानी कि जब 106 से बच्चे होंगे स्कूल में तो वहाँ पर 4 शिक्षक और एक हेडमास्टर की ज़रूरत पड़ती है। 141 से लेकर 175 तक पांचवा शिक्षक की जरूरत पड़ती है जो जीव विज्ञान का होता है, और 176 से लेकर 210 तक छठवा शिक्षक चाहिए जो सामाजिक विज्ञान हिंदी विषय सहित इनकी भर्ती की जाती है, यानी कि दोबारा सामाजिक विज्ञान या हिंदी का शिक्षक लाया जाएगा। तो ये क्रम होता है और 210 से अधिक होने पर 1:35 यानी कि 1 शिक्षक पर 35 छात्र का अनुपात के अनुसार विषय का लिया जाता है, ये होता है आपका। और इस समय इसकी फीडिंग चल रही है, हालांकि 2 साल पहले भी युक्तिकरण हुआ था जिसमें भी काफ़ी टीचर्स इधर से उधर हो गए थे, अब एक बार फिर से ये चीज़ होने वाली है। अब इसमें इंग्लिश वालों के लिए क्या बेनिफिट होगा कि आई थिंक 90% स्कूलों में अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है, उनके स्थान पर हमें वहाँ पर सामाजिक विज्ञान के 2 या 3 शिक्षक मिल जाते हैं, हिंदी वाले मिलते हैं, सोशल वाले मिल जाते हैं, संस्कृत वाले मिल जाते हैं, है ना, लेकिन अंग्रेजी विषय से शिक्षकों की बहुत ही कमी है मध्य प्रदेश में। तो ये इंग्लिश के पद और ज़्यादा इंक्रीज होने की संभावना है वर्ग दो के लिए, है ना। और अब इसके लिए पोर्टल पर फीडिंग तो चली रही है, कुछ ही दिनों में अभी 10 तारीख को इसकी फीडिंग बंद होगी, तब ये रिजल्ट आएगा कितने स्कूलों में कितनी वैकेंसीज हैं, और उसके बाद अभी युक्तिकरण के माध्यम से ये शिक्षक जो कि निकाले जाएंगे वो दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किए जाएंगे,
तब दोबारा सूची बनाई जाएगी, तब ये अनुमान लगेगा कि कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, कौन कौन से विषय की। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट की वैकेंसी की बात करें तो इंग्लिश के विषय की वैकेंसी सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।